हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ। इसमें हम देखेंगे कि हमारे भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको कौन सी शक्ति प्राप्त है, उनको कौन सा पावर है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे राष्ट्रपति जो हैं, राष्ट्रपति इनको हम प्रथम नागरिक के नाम से जानते हैं, देश के प्रथम नागरिक के नाम से राष्ट्रपति को जानते हैं। 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था कि हमारा देश एक गणतंत्र देश है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और ये लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान भी इसी दिन लागू किया गया था। तो इस दिन जब ये लागू हुआ, तब से सबसे जो हाईएस्ट पोस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, हाईएस्ट पोस्ट सबसे उच्च पद, ये किसका दिया गया? राष्ट्रपति को दिया गया कि सबसे उच्च पद हमारे राष्ट्रपति का रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन का। कहां का उच्च पद? कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का। संविधान का सबसे ऊंचा वाला जो पद है, संविधान का सबसे हाईएस्ट पोस्ट है, वो हमारे राष्ट्रपति का रहेगा। ये किस दिन डिसाइड हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और कुछ बेसिक चीजें हम जान लेते हैं हमारे प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री, ये राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? राष्ट्रपति का भवन है राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन कहाँ है? रायसेन हिल्स पे है। और ये रायसेन हिल्स कहाँ है? ये दिल्ली में है। ये हमने देखा था राष्ट्रपति वाले लेक्चर में। हमारे देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? फर्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, पहली महिला राष्ट्रपति, ये कौन थी? ये थी प्रतिभा पाटिल। ये पहली बार महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई थी। ये कुछ बेसिक बातें थी। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, कौन सा पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास है। तो फर्स्ट कौन सा है? एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर जिसको हम बोलते हैं कार्यकारी शक्ति। दूसरा है लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव पावर, इसे क्या बोलेंगे? विधायी शक्ति। फर्स्ट है एग्जीक्यूटिव पावर, सेकंड है लेजिस्लेटिव पावर, और थर्ड क्या है? थर्ड बोलेंगे को है फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर को क्या बोलेंगे? वित्तीय शक्ति। इसके बाद है जुडिशियल पावर, जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्ति। नेक्स्ट है डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री पावर, इसे हम बोलेंगे कूटनीतिक और सैन्य शक्ति। नेक्स्ट है इमरजेंसी पावर, इमरजेंसी पावर, इसको क्या बोलते हैं? आपातकालीन शक्ति, आपातकालीन शक्ति। एंड लास्ट इज आवर वेटो पावर, वेटो शक्ति। ये कितने हैं? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री पावर, इमरजेंसी पावर एंड वेटो पावर। एग्जीक्यूटिव पावर को क्या बोलते हैं? कार्यकारी शक्ति। लेजिस्लेटिव पावर विधायी शक्ति। फाइनेंशियल पावर वित्तीय शक्ति।
जुडिशियल पावर न्यायिक शक्ति, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री पावर कूटनीतिक और सैन्य शक्ति, इमरजेंसी पावर आपातकालीन शक्ति यानी वेटो पावर वेटो शक्ति। इसको हम डिटेल से अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, सबको अलग अलग डिटेल से पढ़ेंगे कि एग्जीक्यूटिव पावर में क्या होता है, लेजिस्लेटिव में क्या होता है। लेकिन ये शॉर्ट में टॉपिक था हमारा कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट में कौन से पावर आते हैं। धन्यवाद।